अभी कल ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रोनाल्डो ने यूरो 2020 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल को हटा दिया था और पानी की बोतल को लहराते हुए पानी पीने की सलाह दी थी। और कुछ ऐसा ही अभी फ्रांस के एक खिलाड़ी ने भी किया है। उस खिलाड़ी का नाम है पॉल पोग्बा। गाइस, पॉल पोग्बा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने रखी एक हेनिकेन बियर की बोतल को हटाया और चुपके से उसे जमीन पे नीचे रख दिया। गाइस, ऐसा करके उन्होंने एक और एग्जांपल सेट किया है कि हमें क्या पीना चाहिए और क्या नहीं, और इस तरह से ये वीडियो भी वायरल हो गई। गाइस, जब रोनाल्डो ने ऐसा किया था तो कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान हुआ था। अभी पोग्बा ने जब ये किया है तो बियर कंपनी को कितना नुकसान होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।